असम के नगांव जिले का जुरिया रुपाही ब्लॉक करीब 95% मुस्लिम आबादी वाला इलाका। सीएम हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव प्रचार में नाच रहे हैं, लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, लोग भी बैरिकेड तोड़कर उनके पास आ रहे हैं, चुनावी गानों पर थिरक रहे हैं मानो किसी रॉकस्टार का कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो। ये वही हेमंता हैं जिन्होंने कई बार खुलकर ये बोला है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जब चुनाव दहलीज पर हैं तो ऐसा लगता है उन्होंने अपने स्टैंड से पलटी मार ली। कई बार मुस्लिमों को असहज करने वाले बयान दे चुके हेमंता ने अपना रुख क्यों बदल लिया? इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक टेका की इलेक्शन स्टोरी के जरिए इसे समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। कुछ समय पहले ही हेमंता ने बंगाली मुस्लिम प्रवासियों के वंशजों के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि उन्हें मियां वोट नहीं चाहिए, और उनका ये स्टैंड अचानक नहीं आया। 2021 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी उनके यही सुर दिखते थे। During election time, neither they will vote for me, neither I want their vote. Unnecessary, why both parties should spend time? And this is the deal, na? I told them, we'll work for you. Neither you take trouble to vote for me, neither I'll take trouble to go for asking vote from you. लेकिन अब हेमंता रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वो मुस्लिम इलाकों में प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों के साथ झूम भी रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये असम में साफ तौर पर एनडीए की सीट्स बढ़ाने की बेचैनी को दिखाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों में से 9 पर बीजेपी को जीत मिली थी, 3 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में आई थी। इस बार बीजेपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 2 सीटें सहयोगी असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल के पास हैं। हेमंता अपनी पार्टी को सभी 11 सीटों पर चुनाव जिताने के लक्ष्य के साथ मैदान में हैं। 2023 में परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ये पहला चुनाव है। परिसीमन में कलियाबोर लोकसभा सीट को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नई काजीरंगा सीट बनाई गई, जिसकी भौगोलिक सीमाएं अलग कर दी गई हैं। इससे मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है। यही वजह है कि कलियाबोर से सांसद गौरव गोगोई पड़ोस के मुस्लिम बहुल नगांव सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें जोरहाट से संतोष करना पड़ा। ऐसे ही कांग्रेस के गढ़ बारपेटा की सीमाओं के साथ भी बदलाव किए गए हैं, जिससे एनडीए को बढ़त मिल गई है। हेमंता कैबिनेट के एक मंत्री ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि परिसीमन की वजह से मुस्लिम वोटों में कमी और फिर हिंदू वोटों के एकजुट होने से हमारी जीत की राह प्रशस्त हो जाएगी। ताज़ा इंटरव्यू में मुस्लिम वोटर्स पर पूछे गए सवाल के जवाब में खुद हेमंता ने क्या कहा वो सुनिए। आपको ऐसा एक ड्यूअलिटी दिखती है क्या? देखिए, असम में इस बार भारी संख्यक मुसलमान बीजेपी को वोट डालेगा। कोई लोग दुविधा में भी है कि डालो ना डालो, लेकिन कम से कम इस बार मुसलमान समुदाय कांग्रेस के लिए आगे नहीं आया है। अंततः वो मे बी वो कांग्रेस को ही वोट दे सकता है या बीजेपी को कोई भी देगा, लेकिन जैसे ये ही टाउन आप पकड़िए, पूरा 30,000 मुसलमान है, रैली में मुसलमान ही था। और जैसे मेरा 23 तारीख पूरा 3 सीटों में चुनाव सभा है जहाँ 100% मुसलमान है, और हम तो सीधा हमारा बात भी बोलता हूँ, लेकिन हजारों लोग आएगा, बात सुन रहा है, ट्रिपल तलाक का बात भी सुन रहा है, पॉलीगेमी का बिल मैं बंद करूँगा, पॉलीगेमी बंद करूँगा वो भी उनका सामने जाके मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई माइनर का शादी नहीं होगा, उनका सभा में जाके मैं सीना ठुक के बोल रहा हूँ, मैं बोला UCC आपके लिए अच्छा है, फिर भी लोकसभा में आ रहे हैं। तो वोट डालेगा नहीं डालेगा मैं अभी कोई बेट नहीं लगाऊंगा, लेकिन 20% वोट जरूर बीजेपी को मिलेगा। हेमंता के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली बार उनके नेतृत्व में पार्टी असम में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2014 और 2019 में राज्य में सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, अब वे केंद्र में मंत्री हैं, और ये साबित करने के लिए कि सोनोवाल अब राज्य की राजनीति में कोई खिलाड़ी नहीं है, हेमंता को बीजेपी की सीटें 2019 की तुलना में बढ़ानी होंगी। इसके लिए हेमंता पूरा जोर लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए जोरहाट सीट पर जहां कांग्रेस के जाने माने नेता गौरव गोगोई मैदान में हैं, वहां हेमंता ने यह कह दिया कि वो अगला विधानसभा चुनाव जोरहाट से ही लड़ेंगे, जो उनकी जन्मस्थली भी है। ऐसे ही कोकराझार सीट से निर्दलीय सांसद नावा सरानिया का नामांकन खारिज होने से एनडीए की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
इन सबसे इतर मुख्यमंत्री के रूप में हिमंता ने अपने राज्य में क्या क्या काम किया है वो भी अहम भूमिका निभाने वाला है। वे रैलियों में दावा कर रहे हैं कि उन्होंने लोगों तक वेलफेयर स्कीम्स का लाभ पहुंचाया है, नौकरियां दी हैं, सड़कें बनवाई हैं और भ्रष्टाचार कम किया है। वे अब धार्मिक बयानबाजी से दूरी बना रहे हैं, विकास और सामाजिक उत्थान के वादों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसलिए असम में मुस्लिम वोटों से दूर रहने की रणनीति में हिमंता के लिए एक बड़ा बदलाव है। इस स्टोरी में इतना ही। चुनावों से जुड़ी खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।